भरमकेला पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए लोगों को अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ धर दबोचा, जिससे अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों में हड़कंप मच गया है। भरमकेला थाना प्रभारी डीके मारकंडे के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही मामला आज भरमकेला के ग्राम झाबड़ के जंगल में महुआ शराब बनाते हुए दो युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। अवैध महुआ शराब बनाने वाले का नाम किशोर सिदार एवं सीताराम, दोनों बड़े आमाकोनी के रहने वाले हैं। अवैध मादक पदार्थ का धंधा करने वालों पर भरमकेला थाना प्रभारी के द्वारा जोरों से कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों युवकों के ऊपर आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जी सर, कल कुछ शराब अवैध पकड़ाया गया था, इस विषय में क्या कहना? ये शिकायतें आ रही थी, ये झाबड़ गांव है, वहाँ अवैध शराब मोहे का उतार के बिक्री करने के संबंध में बड़ी शिकायत थी। तो कल हमने आदमी लगाया था, लेकिन झाबड़ जाने के पहले जो जंगल एरिया है वहाँ पर शराब बनाते हुए दो लोगों को पकड़े हैं जो भट्टी लगाए हुए थे, और उनके पास से 8-8 लीटर 16 लीटर कुल 1600 रुपये का कच्चा मोहे का दारू जब्ती किए हैं। उन आरोपियों के नाम है, एक किशोर सिदार है आमाकोनी का, और दूसरा है सीताराम नौरंगे, वो भी आमाकोनी का रहने वाले हैं दोनों। ये भट्टी में शराब बना रहे थे, भट्टी डाले थे, फिर तो उसको पकड़ के उसकी भट्टी को तहस नहस करके तोड़फोड़ किया गया और उनसे फिर ये जब्ती कार्रवाई की गई। एक और था जिन्होंने जनकपुर चौक के पास में, जनकपुर रोड के पास एक 16 पौवा अवैध शराब के साथ उनको पकड़ा गया, रतनलाल सिदार नाम है उनका, उनके खिलाफ में 34 एक की कार्रवाई की है, और मोहा शराब वालों के खिलाफ 34-2-59 का आबकारी अधिनियम के तहत अजमानती मामलों के तहत कार्रवाई की। इस टाइप के मामले में इन्वॉल्वमेंट होने वाले को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। या फिर मेरा संदेश है कि इस टाइप के काम में लगे हुए लोग अपने काम उसको बंद कर दें, कोई रोजी मजदूरी के धंधे पे या कोई और। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवराज दीपक की रिपोर्ट, भरमकेला। लगातार शिकायतों के बाद आज स्थानीय प्रशासन ने झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में छापामार कार्रवाई की, जहां से प्रशासन ने भारी मात्रा में गर्भपात में उपयोग करने वाली व कामोत्तेजक दवाओं के साथ प्रतिबंधक दवाओं के साथ ही पुरानी सिरिंज, जिसे गर्म पानी से साफ कर दोबारा उपयोग किया जा रहा था, साथ ही कुछ दस्तावेज भी प्रशासन को मिले, जिसमें बच्चों के इलाज के लिए ठेके में इलाज करने की विवाद सामने आई है। फिलहाल छापेमार कार्रवाई की भनक लगते ही दोषी डॉक्टर फरार हो गया, तो प्रशासन ने मौके से मिले दवाओं को जब्त करते हुए पूरे क्लिनिक को सील करा कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला पेंट्रा के कोटमी इलाके का है, जहां प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कोटमी के देवरी कला मुख्य सड़क पर स्थित एक मकान में गौतम राय नाम का एक युवक लोगों को इलाज करता है, जहां तक कि वो अपने क्लिनिक में महिलाओं का गर्भपात भी कराता है। जिसके बाद आज स्थानीय प्रशासन ने कोटमी इलाके में गौतम राय के क्लिनिक में छापामार कार्रवाई की, जहां पर प्रशासन को एक अवैध अस्पताल मिला, जहां पर आरोपी बिस्तर लगाकर लोगों को भर्ती कर इलाज करता था और आसपास की कुछ लड़कियों से मरीजों का इलाज भी करवाता था। प्रशासन को मौके से भारी मात्रा में शासन द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के साथ मौके से भारी मात्रा में गर्भपात कराने के लिए खिलाई जाने वाली दवाइयों को भी जब्त किया गया है। वहीं कुछ ताबीज और तंत्र मंत्र में उपयोग किए जाने वाली सामग्री के साथ कुछ आपत्तिजनक पुस्तकें भी प्रशासन ने मौके से जब्त की हैं। छापे के दौरान क्लिनिक से टीम को उपयोग किए गए सिरिंज, जिसे गर्म पानी में उबाल कर दोबारा उपयोग करने के भी सबूत मिले हैं। साथ ही कुछ ऐसी दवाइयां जो महिलाओं को कामोत्तेजक बढ़ाने के लिए खिलाई जाती हैं, वह दवाइयां भी प्रशासन ने जब्त की हैं। वहीं छापे की खबर मिलते ही आरोपी गौतम राय मौके से फरार हो गया। फिलहाल प्रशासन ने क्लिनिक में मिले सभी दवाइयां और आपत्तिजनक वस्तुओं को जब्त करते हुए पूरे क्लिनिक को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में छापामार कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो प्रशासन की माने तो उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किस प्रकार की कार्रवाई है? यहाँ पे काफी दिनों से लोगों से अवैध वसूली और अवैध चिकित्सा की शिकायतें मिलती रहती थी, लेकिन कई बार यहाँ से कोशिश की गई तो ये यहाँ पे हम लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता था, क्योंकि लड़कियों का हॉस्टल के रूप में इसको प्रदर्शित किया जा रहा था। आज भी जब हम लोग का दौरा शुरू हुआ माननीय SDM साहब और कलेक्टर महोदय और सीमा साहब के निर्देशन साहब, तो हम लोग जब यहाँ पे आए तो 3 लड़कियाँ हमको मिली, उनका कहना था कि ये हॉस्टल है, हम लोग यहाँ पे रहकर पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट या नहीं होता। जब हम अंदर आए यहाँ पे देखते हुए तो पता चला कि यहाँ पे बिस्तर लगे हुए, बॉटल लग रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हुई थी। तब उन्होंने स्वीकारा कि यहाँ पे इलाज होता है करके, और डॉक्टर के बारे में पूछने पर पता चला कि वो कहीं गए हुए हैं, बिलासपुर गए हुए हैं, कहीं और गए हुए हैं।
किस प्रकार की दवाइयाँ मिली है यहाँ पर? दवाइयों में बहुत ही आपत्तिजनक दवाइयाँ, चूंकि अगर एक डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो वैसे एलोपैथिक मेडिसिन रखना बहुत बड़ा गैरकानूनी। उसके अलावा यहाँ पे अवैध अबॉर्शन की दवाइयाँ और यौनोत्तेजक दवाइयाँ, यौनोत्तेजक किताबें भी यहाँ पे पाई गई हैं, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। जो दवाइयाँ पाई गई हैं और डॉक्टर जो यहाँ अनुपस्थित है, किस प्रकार की कार्यवाही होगी? अब चूंकि प्रकरण तैयार कर लिए गए नर्सिंग होम एक्ट के तहत, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊपर प्रकरण तैयार करके उच्च अधिकारियों को हम लोग भेजेंगे। क्या बोलता है सर नर्सिंग होम एक्ट इस मामले पर? नर्सिंग होम एक्ट के तहत अगर इनका लाइसेंस नहीं है तो नर्सिंग होम को सील किया जाना है और उसके ऊपर भी कार्रवाई हम जेल जाने तक की नौबत किया। कुछ यहाँ तंत्र मंत्र की भी चीजें मिली हुई है? हाँ, कुछ बुक देखने और यहाँ पे और चीजें देखने का ऐसा लगा कि यहाँ पे ताबीज भी लिखे जा रहे हैं, कुछ मंत्र की किताबें भी मिल रही हैं और भी कुछ ऐसी आपत्ति जा रही है। कुछ रिकॉर्ड भी मिले हैं, दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे ये भी है कि उधारी में इलाज चल रहा था, लंबा लंबा पैसा। हाँ, वो पूछने पे रजिस्टर देखने पे और बाकी जो लड़कियां यहाँ पे काम कर रही थी उनसे पूछने में पता चला कि बच्चे होने के नाम से निसंतान दंपतियों से संपर्क करके उनसे पैसे ऐंठे जाते थे, जिसमें रजिस्टर देखने से लग रहा है कि 15,000 से 25,000 तक की राशि उनसे ली जाती थी किस्तों में। उनके नाम पते और फिर उनके कॉन्टेक्ट नंबर, और जब वो आते थे तो उनका ब्लड प्रेशर और फिर उनका वजन इन लोग लिए जाते दिखाने के लिए। और यहाँ तक ये भी सुनने में कि यहाँ पे तंत्र मंत्र भी उनके साथ में करते थे दिखावे के लिए, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाना। सर, जो एक आई कार्ड मिला है उसमें वो बीए का स्टूडेंट दिखता है और बीएमएस का सील लगा रहा है, सर कैसे हो सकता है ये? अब क्योंकि वो सील तो बनाए हुए, अदरवाइज बीएमएस भी हो तो बीएमएस तो ऐसा लगता नहीं कि बीएमएस से होगा, वो सील उन्होंने बनवा लिया है ऐसा लग रहा है मुझे। तो बीएमएस भी इस प्रकार की दवाइयाँ रख सकते हैं? जी नहीं, अगर बीएमएस भी है तो भी उसके पास एलोपैथी की ऐसी दवाइयाँ रखने का कोई अधिकार नहीं। छापामार कार्यवाही की गई झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर, किस तरह की कार्यवाही सर प्रशासन को यहाँ क्या क्या मिला? जी आज यहाँ पे झोला छाप डॉक्टरों पे अगर कार्यवाही की गई, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले कोटवी कला यहाँ पे एक अवैध क्लिनिक पे छापा मार, सबसे पहले यहाँ 3 लड़कियां मिली जो कि उनका उनके पास कुछ नर्सिंग की डिग्रियां नहीं थी, वो केवल 12वीं पास है। तो उनके पास जब पूछा गया डॉक्टर कहाँ है तो उन्होंने बोला डॉक्टर अभी बिलासपुर गए और डॉक्टर अभी उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है डॉक्टर के पास। हमें यहाँ पे बहुत ही इलीगल तरीके से दवाइयाँ मिली हुई हैं और फिर यहाँ पे ऐसा मतलब दवाई देने से लग रहा है कि यहाँ पे अबॉर्शन का काम होता है। तो किस प्रकार की कार्यवाही होगी सर इस मामले में? इस पर अभी फिलहाल मैंने अभी अपने उच्च अधिकारियों की सूचना दे दी है और फिर उन पर कार्यवाही कर रही है। सील किया जाएगा सर? हाँ, इसे रिसील किया जाएगा, इसका पंचनामा बना दिया गया है और फिर में जो 3 लड़कियां थी उनका बयान भी ले लिया गया है। सर, ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी और झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर? हाँ, अभी ये गौरेला तहसील में ये हुआ था हमारे एसडीएम सर एडीएम सर के द्वारा, और अभी ये कार्यवाही पेंड्रा तहसील में भी जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उनका भी कार्यवाही की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट, पेंड्रा छत्तीसगढ़। सरगुजा जिले के विकास खंड उदयपुर के जजगा में पूर्व माध्यमिक शाला का जर्जर अवस्था में भवन संचालन किया जा रहा था। शिक्षा व्यवस्था की इस लापरवाही को देखते हुए TV1 इंडिया न्यूज की टीम ने तत्काल इस पर कार्रवाई हुई जिला शिक्षा अधिकारी से एवं जनपद खंड अधिकारी से बातचीत की। गौरतलब है कि सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में जजगा में जर्जर अवस्था में शाला का संचालन किया जा रहा था। कभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना देखी जा सकती थी। आए दिन शाला की छत से पानी टपकता था एवं छत का प्लास्टर गिरता रहता था। इस शाला में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी, शौचालय भी जर्जर अवस्था में पाए गए। TV1 इंडिया न्यूज के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी जनपद खंड अधिकारी को अवगत कराया गया, जहां तत्काल इस शाला की अन्य व्यवस्था कर संचालन की अनुमति प्राप्त हुई है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत बेमेतरा के सभागार कक्ष में मीडिया प्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला आत्महत्या रोकथाम में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित थी। जिला पंचायत सभागार कक्ष में नवनियुक्त कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी का जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू ने स्वागत किया। वहीं एक दिवसीय कार्यशाला का विधिवत शुरुआत की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत बेमेतरा के सभागार कक्ष में इस कार्यशाला में विशेष बल आत्महत्या को रोकने में मीडिया की भूमिका पर विचार, आज युवा वर्ग डिप्रेशन में आकर या घातक कदम उठा रहे हैं जो कि एक चिंता का विषय है। मीडिया जो कि चौथा स्तंभ माना गया है, मीडिया के माध्यम से ही सकारात्मक समाचार कवरेज करने से छत्तीसगढ़ के आंकड़ों में कमी आई है जो कि सराहनीय है। मीडिया
मीडिया जहाँ उसको एक इन्फॉर्म कर सकता था समाज को, मैं इसको इसको जब कुछ इस तरह के केस आते हैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह अवसर की तरह देखें और जो समाज है उसको जागरूक करने का काम करें। आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो भी आपकी उसकी रिपोर्टिंग करके देखें, उसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन दी है जो जरूरी है, जो इससे लोग जागरूक हों और जो ऐसे लोग जिन्होंने मन बना लिया है कि वो आत्महत्या करेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनको एक सहारा मिले, एक राह दिखाए और वो जो आपने उसमें लिखा है वो वहाँ से उसको मदद मिल सके, चाहे वो डॉक्टर्स हो या हेल्पलाइन से। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए विमलेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट, बेमेतरा। पाकिस्तान के जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव, जिसे पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित कर जेल में कैद कर दिया था, हम जिसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी है। भारत के हक में फैसला सुनते ही भाजपा युवा मोर्चा ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर खुशियां मनाई व भारत माता की जय के नारे लगाकर सभी को जीत की बधाइयां दी। वातावरण है हमारे हिंदुस्तान की जीत हुई है, हमारे भारत की जीत हुई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, हमारे नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव जिसको पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित करके और उसे फांसी की सजा दी गई थी उस पर निश्चित रूप से भारत ने अपील किया था और हिंदुस्तान ने अपील करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में उस पर बहस हुई और बहस के बाद कुलभूषण जाधव जी को स्टे मिला है, उस पर रोक लगा है और उस रोक को लेकर के पूरा हिंदुस्तान आज बहुत खुश है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की में जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उसके नेतृत्व में पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रोशन हुआ है। निश्चित रूप से 15 लोगों की तीन जज लोगों की बैठी थी जिसमें 14 लोगों ने ये माना कि जाधव के ऊपर जो फांसी की सजा हुई है वो गलत है और उस पर हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने रोक लगाया है। उसके लिए हम आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हमें बहुत खुशी का माहौल है। हम अपने सरगुजा युवा मोर्चा की तरफ से उसे उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उस खुशी के मौके पर हम आतिशबाजी करके मिठाई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दिनेश गुप्ता के साथ शिवम गुप्ता की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही। यह मामला सारंगढ़ विकास खंड से महज 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मलदा संकुल के शासकीय माध्यमिक विद्यालय झिलगीटार का है, जहां सत्र 2017-18 से लेकर आज तक विद्यालय में एक ही शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो कि माध्यमिक विद्यालय में 6वीं, 7वीं, 8वीं कुल 3 कक्षाएं होती हैं और तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर 51 बच्चे अध्ययनरत हैं। तीनों कक्षाओं को एक ही शिक्षक कैसे पढ़ाता होगा कल्पनीय है। वहीं शिक्षक का कहना है कि मैंने यहां जब से पदभार संभाला है एक ही शिक्षक हूं और 50 से ऊपर बच्चे अध्ययनरत रहते हैं और 50 बच्चों को संभालना एक शिक्षक का काम नहीं होता। साथ ही डाक का भार अलग से देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और संकुल समन्वयक का कहना है, मैंने जून माह में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप से अवगत करा दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई या शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे साफ लगता है कि सरकार चाहती कुछ और है और करती कुछ और है। अब देखते हैं कि 51 बच्चों के भविष्य के साथ कितने दिनों तक सरकार खिलवाड़ करती रहेगी। क्या नाम है आपका? ये कौन से कक्षा में पढ़ रहे हैं आप? ये यहाँ पे कितने बच्चे हैं? ये तो, और गुरु जी कितने हैं? तो सभी कक्षा को बराबर पढ़ा पाते हैं? नहीं। सर आपका परिचय? मेरा नाम शिव नारायण सोनी है और मैं मलदा का शैक्षिक समन्वयक हूँ। सर आपके संकुल अंतर्गत झिलगी टार के मिडिल स्कूल में एक शिक्षक है और 52 बच्चे हैं, 51 बच्चे हैं, इसके बारे में क्या है आपका? इसके बारे में बीओ साहब को लिखित में जानकारी दे दिया गया है ना। हमारे संकुल में ऐसे तो 4 मतलब स्कूलों में एकल शिक्षक ही है। इस बारे में जून में ही बीओ साहब द्वारा जानकारी मंगाया गया था कि कहां कहां एकल शिक्षक ही हैं, तो पूरा ब्यौरा एकल शिक्षक वाले को दे दिया गया है और गुरु जी की व्यवस्था करने के लिए गुरु जी लोगों का नाम भी मतलब बीओ कार्यालय को दे दिया गया है ना। जो साहब बोलते हैं कि हो जाएगा है ना, और अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाया है, शायद ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद शायद। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए कैलाश नायक की रिपोर्ट, सारंगढ़।